एक फुल्ली डेडिकेटेड मूवी जिसमें वोल्वरीन और डेडपूल एक साथ है। ये मूवी आखिरी बार हमने कब देखी थी? 2009। कुछ याद आया? वो मूवी कैसी थी उसके बारे में तो कहना ही मत। दिस मूवी मे बी द रीजन कि मार्वल का कमबैक हो जाए, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पोस्ट एंड गेम मार्वल के साथ ऐसा हुआ ही क्यों। लेट्स चेक दैट आउट। तो आगे सब लोग, अब तो टाइम ही बताएगा कि मार्वल का कमबैक होने वाला है कि नहीं। इस मूवी का सक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिल्ड द इमेज ऑफ मार्वल वंस अगेन। मार्वल को जिस ट्रस्ट की नजरों से देखा जा रहा था पिछले कुछ सालों से, वही ट्रस्ट कम हो गया है और यही मूवी मार्वल का ट्रस्ट वापस से बिल्ड कर सकती है। तो क्योंकि मूवी इतनी अच्छी थी तो क्या हम कह सकते हैं कि मार्वल इज बैक? इसका तो पता नहीं, बट बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये 5 चीजें मिली जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं इट वाज द रीजन फॉर मार्वल्स डिक्लाइन आफ्टर एंड गेम। आप सब में से किन लोग को लगता है कि मार्वल का जादू फीका पड़ गया था आफ्टर एंड गेम? अगर आपको ये सब लगता है तो आपको बहुत गलत लगता है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। I am one of them। तो एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि एक टाइम पे इतना पैसा कमाने वाली मार्वल और द बॉक्स ऑफिस किंग एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच गई कि 2023 की द मार्वल्स ब्रेक इवन भी नहीं कर पाई। 10 सालों के MCU हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मूवी ब्रेक इवन तक नहीं पहुंची थी। मार्वल की किस्मत भाई, 10 सालों में ऐसा इमेज क्रिएट किया है कि अभी उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए इतने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन इस लिस्ट को गलत साबित कर सकती है? लेट्स फाइंड आउट। याद करो कि फर्स्ट एवेंजर्स में कितने सुपर हीरोज थे? 6। और अभी कितने सुपर हीरोज है? वेल, बात तो ऐसी है कि 10 सालों में सुपर हीरोज की गिनती तो बढ़ने वाली है, बट इस चक्कर में सारे सुपर हीरोज पर फोकस किया नहीं जा सकता। मार्वल ने पिछले 10 सालों में 10 मूवीज, 6 टीवी शोज और 3 स्पेशल्स रिलीज की है। मतलब मार्वल को कम टाइम में ज्यादा सीरीज लॉन्च करनी होती थी जिसके वजह से क्वांटिटी हमेशा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती थी। वेल, इसमें नई बात कोई नहीं है। बड़े बड़े स्टूडियोज आए दिन साल में 10-12 मूवीज रिलीज करते रहते हैं। वेल, इसमें प्रॉब्लम एक है कि मार्वल को इन सारे टीवी शोज और मूवीज में कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ती थी। इसका मतलब अगर एक टीवी शो में कुछ दिखाया गया है तो उसको आगे वाले सारे यूनिवर्स में फॉलो करना पड़ेगा। टाइमलाइन को मेंटेन करना, सारे कैरेक्टर्स का आर्क डिफाइन करना और स्टोरी को आगे बढ़ाना, इन सबके साथ साथ मार्वल को भारी भरकम मात्रा में VFX का यूज भी करना है। और एक अच्छी VFX लोडेड मूवी के लिए 2 चीजों में से एक चीज तो चाहिए, टाइम या पैसा। अगर दोनों मिले तो बहुत बढ़िया, बट कोई एक तो जरूरी ही है। अब क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना है तो टाइम तो उतना मिलेगा नहीं, और क्योंकि सब कंटेंट का एक लिमिटेड बजट है उसी वजह से पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मेजोरिटी मूवीज इंक्लूडिंग थॉर जो एक काफी ओल्ड फ्रेंचाइजी है उसमें भी VFX के इश्यूज आ गए थे। और क्योंकि आगे जाके सब कनेक्ट होने ही वाला है तो अभी के लिए एक एवरेज सा स्टोरी दिखा दो, किसको प्रॉब्लम है? याद है वो आयरन मैन 3 का सीन जिसने टोनी स्टार्क को एक नार्सिसिस्टिक आदमी से एक लवेबल कैरेक्टर बना दिया था? Don't move. यही कैरेक्टर आर्क हर मूवी में हर कैरेक्टर को जरूरत होती है, जिसके बिना लोग उन कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर्स, कम टाइम और बहुत कम पैसा, तो उस चक्कर में सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि इस फेज में कुछ कुछ कैरेक्टर्स का आर्क बहुत अच्छे से बनाया गया है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन एंड लोकी, लेकिन मेजोरिटी मूवीज और शोज के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि इनके कैरेक्टर्स पर इतना ध्यान दिया नहीं गया। अब इतने सारे कैरेक्टर्स, इंक्लूडिंग द यंग कैरेक्टर्स, द लेगेसी कैरेक्टर्स एंड द करेंट कैरेक्टर्स, ये सारे चीजों को एक साथ संभालने की वजह से ही एक केओटिक माहौल बन गया है मार्वल में, जिसके वजह से टाइमलाइन और कंटिन्यूटी के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। पोस्ट कोविड हम सब में एक मैच्योरिटी आ गई है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ कंटेंट वी कंज्यूम, और जैसा कि मेरा मानना है कि हम एक पुरानी मूवी को उसके नॉस्टैल्जिक वैल्यू से जज करते हैं, तो अगर कोई 20 साल मूवी हमें पसंद है और वही मूवी आज बनी तो हो सकता है कि हम उस मूवी को इतने अच्छे से रिसीव ना करें, बट कहीं ना कहीं वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू ही होती है जिसकी वजह से हम मूवीज को रीवॉच करते हैं। अब नए मूवीज में वो लॉजिक और ग्राउंडनेस के चक्कर में बहुत ही कम रीवॉचेबल कंटेंट है। वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू ही वन ऑफ द रीजंस है जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम को लगभग $2 बिलियन का कलेक्शन करके दिया। मार्वल की कई सारी आइकॉनिक सुपर हीरोज, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और आइकॉनिक सीन्स है जिसे वो इंटीग्रेट कर आराम से ऑडियंस को थिएटर्स में ला सकते हैं। बस इसी मिस्टेक की वजह से मार्वल के कई शोज रीवॉचेबल नहीं बन पाए, जैसे नॉट क्रिएटिंग द लेजेंडरी हॉलवे सीक्वेंस ऑफ डेयरडेविल। क्या जरूरत थी शी हल्क को आके सबको मारने की? डेयरडेविल काफी था ना। मार्वल इज नोन फॉर मेकिंग देयर कैरेक्टर्स आइकॉनिक। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि मार्वल्स के पास ढेरों सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार्वल को संभालनी पड़ती है। कैरेक्टर्स सच एज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक पैंथर, ये सारे कैरेक्टर्स कॉमिक्स में इतने फेमस थे भी नहीं। स्पाइडरमैन, हल्क और फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी कॉमिक्स में फेमस थे, इन कैरेक्टर्स के राइट्स मार्वल ने बहुत पहले ही दूसरे स्टूडियोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास है, हल्क के राइट्स यूनिवर्सल के पास है, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसी फ्रेंचाइजी सारे राइट्स फॉक्स के पास थे, अंटिल डिज्नी एक्वायर्ड फॉक्स, तो अब सारे राइट्स एक ही साथ आ गए। तो मार्वल रिस्किंग देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट
विथ आरडीजे और मेकिंग आयरन मैन जैसा सुपर हीरो जिसे कोई नहीं जानता था आउट ऑफ कॉमिक, वहां से जर्नी शुरू हुई थी एमसीयू की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ऑफिशियली 28 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया है। चाहे तुम ब्लैक पैंथर की बात करो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ये सारे कैरेक्टर्स मूवीज की वजह से ही कहीं ना कहीं फेमस हुई है। इसके पहले कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर्स इतने फेमस थे नहीं, बट यही प्रॉब्लम आती है मार्वल की कि ये सारे कैरेक्टर्स और मूवीज इतने आइकॉनिक हो गए हैं कि अब इनको रिप्लेस करना एक वायबल ऑप्शन दिख नहीं रहा। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद तो समझो लोग आए दिन कहते रहते हैं कि टोनी स्टार्क वापस आओ। अब मेन बात यह है कि ये पांचों पॉइंट्स में से डेडपूल कहाँ स्टैंड करती है। वेल, डेडपूल का कैरेक्टर आर्क ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, डेडपूल ऑलरेडी पहले से फेमस है और रायन रेनॉल्ड्स के आने के बाद से डेडपूल तो मासेस में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। द ऑफ स्क्रीन बैंटर ऑफ ह्यू जैकमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स टू द ऑन स्क्रीन मूवी, अब डेडपूल ही बचाएगा एमसीयू को। क्या लगता है? अगर तुम्हें और ऐसे ही पॉप कल्चर और रिव्यूज देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते हैं, और अगर आपको ऐसे ही टाइप के वीडियोज और देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, आना जरूर। बाय।